इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। बीती रात नागपुर रोड महर्षि विद्या मंदिर के क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और चार वाहनों की चोरी के साथ दो घरों में सेंधमारी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों का माल पार कर दिया। चोरों ने तीन बाइक्स, एक स्कूटी और दो घरों में चोरी को अंजाम देते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रहवासियों का कहना है कि घटना की शिकायत लेकर जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस द्वारा खाना पूर्ति कर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आरटीओ ऑफिस के पीछे पुलिस फायरिंग रेंज में पुलिस फायरिंग के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग इतनी फैल चुकी थी कि लगभग एक घंटे बाद यहां पर लगी आग बुझाई जा सकी। पुलिस कर्मियों को इस जगह पर फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं आज ट्रेनिंग के दौरान अचानक आसपास लगी सूखी घास ने आग पकड़ ली, जिसके बाद यहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। अच्छी खबर यह रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज बिछुआ तहसील और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तहसील कार्यालय में राजस्व प्रकरणों के दस्तावेज, आवक जावक, पंजीयन, सीमांकन प्रकरण के निरीक्षण कर कुछ प्रकरणों में नियम के अनुरूप कार्य न होने पर बाबू को फटकार लगाई। साथ ही तहसीलदार को शीघ्र प्रकरण निपटाने के लिए निर्देशित किया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर नामांकन प्रकरण में जरूरी दस्तावेजों को मांगने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी, नेत्र चिकित्सा निरीक्षण किया और हितग्राहियों से बात कर संबंधित अधिकारियों से शीघ्र उनकी समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए। ये कि यहाँ जो मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी स्थिति बेहतर हो, यहाँ लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि लोगों को जो योजनाएं हैं उनका लाभ पूरा पूरा दिया जाए, तो उसके लिए मैं अभी असेसमेंट कर रहा हूँ। कहीं कोई कमियां हैं तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, अधिकारियों को निर्देश दिया है और उनसे पूछा भी है कि अभी योजनाओं की स्थिति आपके फील्ड में कैसी है। मैं लोगों से भी जो मुझे मिल रहे हैं उनसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या पोजीशन फील्ड में लोगों की है। आगे इस तरह के दौरे अब मैं गांव क्षेत्र में भी करूंगा ताकि लोगों को भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका पूरा पूरा लाभ मिले और ईमानदारी से लाभ मिले। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा का दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में ट्रांसफर होने के बाद पीएचक्यू में पदस्थ मनीष खत्री को छिंदवाड़ा एसपी का प्रभार सौंपा गया है, जिसके बाद आज एसपी मनोज खत्री ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के साथ परिचयात्मक बैठक ली और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585888 8827420004।
नगर पालिका निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में मिली शिकायत पर 6 गुमठियां हटाई गईं। सीएम हेल्पलाइन में मिली शिकायत पर योजना कार्यालय के सामने गन्ने वालों को व्यवस्थित किया गया एवं टाउन हॉल के सामने हिंदी प्रचारिणी समिति की बाउंड्री वॉल के सामने कपड़े वालों का अतिक्रमण हटाया गया। ये बस स्टैंड में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि गुमठियाँ लगाकर बसों का आवागमन में और यात्रियों के आने जाने में तकलीफ पैदा हो गई है गुमठियों के कारण। उन गुमठियों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु 19 फरवरी से 23 फरवरी तक शहर के विभिन्न हिस्सों में शिविरों का आयोजन प्रारंभ किया गया। गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का पहला कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 22 के सोनाखार स्कूल में हुआ एवं द्वितीय कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 24 के सोनपुर में आयोजित हुआ। इन शिविरों के माध्यम से हितग्राहियों के आवेदन लिए गए एवं हित लाभ भी प्रदान किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में हितग्राही शामिल हुए। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के घाट परासिया में देर रात एक खड़े वाहन से ट्रक टकरा गया, जिसके बाद ट्रक पलटने से मौके पर चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शाहिद अली कान्हीवाड़ा से छुटका गाँव का रहने वाला है, जो ट्रक चलाने का काम करता है। वहीं उसका 18 वर्षीय भतीजा अरशद अली ट्रक में साथ में चलता है। देर रात चाचा भतीजे ट्रक लेकर सिवनी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान घाट परासिया के पास सड़क में खड़े वाहन से ट्रक टकरा गया और अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां मौके पर ही चाचा भतीजे की मौत हो गई। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सबकी इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। रेलवे सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को रेलवे स्टेशन में संपन्न हुई। इस दौरान सलाहकार समिति के सदस्यों ने यात्री सुविधाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की और जरूरी प्रस्ताव रखे। बैठक में वेटिंग हॉल निर्माण, हूटर और लाल बत्ती लगाने, ब्रिज के निर्माण जैसे जरूरी विषयों पर चर्चा की गई और सहमति जताई गई। बैठक में DUCC मेंबर अजय सिन्हा, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य तरुण मैद, स्टेशन प्रबंधक HR मीना सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। विश्वकर्मा जयंती पर राम मंदिर में सामाजिक लोगों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की पूजा यात्रा कर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जैसा हम सब जानते हैं, प्रतिवर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान विश्वकर्मा का अवतार दिवस है और वो आज का दिन है। भगवान विश्वकर्मा का आज अवतार दिवस है। आज पूरे नगर का विश्वकर्मा समाज यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान विश्वकर्मा का अवतरण दिवस मना रहा है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष पर्व है। महादेव के भक्त पूरे वर्ष महाशिवरात्रि का इंतजार करते हैं। अब अगले महीने शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने त्रिशूल के साथ पचमढ़ी रवाना होने लगे हैं। इसी क्रम में आज 1008 मोहनदास जी त्यागी महाराज समिति द्वारा 461 किलो का त्रिशूल पचमढ़ी चौरागढ़ रवाना हुआ।
कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। पिछले दो दिनों में अब तक दो नकल प्रकरण सामने आ चुके हैं। बीते दिन जहां रसायन शास्त्र की परीक्षा में कक्षा 12वीं का एक विद्यार्थी जुन्नारदेव में नकल करते पकड़ाया था, वहीं आज कक्षा 10वीं में एक बार फिर परासिया के एक परीक्षार्थी पर नकल प्रकरण दर्ज किया गया है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का गुरुवार को विज्ञान विषय का पेपर था। जिले भर में कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए 161 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 28,644 परीक्षार्थियों का पंजीयन हुआ था, जिसमें विज्ञान विषय की परीक्षा में 27,921 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 723 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।